वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पी न्यूज इंटरनेशनल। पी न्यूज इंटरनेशनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हरभजन सिंह जीवनी। हरभजन सिंह पहला भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हरभजन सिंह पहला भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वे इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस टीम तथा पंजाब राज्य क्रिकेट टीम 2012-13 के भूतपूर्व कप्तान भी हैं। वे स्पिन गेंदबाजी में निपुण हैं और टेस्ट मैचों में ऑफ स्पिनर द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर हैं। हरभजन को उनके पहले कोच चरणजीत सिंह भुल्लर ने एक बल्लेबाज के तौर पर प्रशिक्षित किया, लेकिन उनके कोच की मौत के बाद उन्हें स्पिन गेंदबाजी में बदल लिया गया, क्योंकि उन्हें देवेंद्र अरोड़ा हर रोज की कामकाजी नैतिकता की सफलता का श्रेय करता है, जिससे सुबह में 3 घंटे का प्रशिक्षण सत्र शामिल था। इसके बबाद दोपहर का सत्र 3 बजे से लेकर सूर्यास्त तक चले। सन 2000 में अपने पिता की मृत्यु के बाद हरभजन परिवार का सिर बन गया और 2001 तक उनकी 3 बहनों के लिए विवाह का आयोजन किया। सन 2002 में उन्होंने कम से कम 2008 तक अपनी शादी को ठुकरा दिया था। 2005 में उन्होंने फिर से शादी की। अफवाहों को फिर बदल कर बेंगलोर की एक दुल्हन से जोड़ा, जिसमें कहा गया था कि वह कुछ वर्षों के बाद केवल निर्णय लेगा और वह अपने परिवार द्वारा चुनी गई एक पंजाबी दुल्हन की तलाश करें। ऐसे देश में जहां क्रिकेटों को मूर्तियां दी जाती है, हरभजन का प्रदर्शन उन्हें सरकार के प्रशंसा और आकर्षक प्रयोजकों को लेकर आया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद पंजाब सरकार ने उसे रुपये का भुगतान किया, 5 लाख रुपये, एक भूखंड और पंजाब पुलिस में एक पुलिस अधीक्षक बनने की पेशकश, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। कंकाबुलरी के साथ काम करने के बावजूद हरभजन ने मार्च 2002 में गुवाहाटी में टीम होटल के बाहर पुलिस के साथ विवाद में मामूली चोट लग गई थी, जब हरभजन ने होटल में एक फोटोग्राफर को अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो स्कफल टूट गई। हरभजन ने इन गेंदबाजी को कटौती की और पुलिस ने जब उसे मारा तो उनकी कोहनी को घायल कर दिया। हरभजन सिंह ने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। किसी भी क्रिकेट प्लेयर के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हरभजन सिंह कई सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम के टॉप गेंदबाज रह चुके हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे नाजुक मौके पर हरभजन सिंह ने अपने कमाल की गेंदबाजी से भारत को जीत दिलाई है। गेंदबाजी के साथ साथ हरभजन सिंह ने कई बार गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाया है। हरभजन सिंह को तेज गति की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। कई अहम मौके पर हरभजन सिंह ने उपयोगी बल्लेबाजी भी की है। करियर के बारे में बात करें तो करियर की शुरुआती दिनों में उनका गेंदबाजी एक्शन चर्चा पर विषय बना रहा और क्रिकेट अथॉरिटीज ने उनकी एक्शन पर
काफ़ी सवाल भी उठाए थे। उन्होंने अहम मौके पर खुद को भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण और सफल क्रिकेटर साबित किया। 25 मार्च 1998 को हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू दिया और 17 अप्रैल 1998 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक दिवसीय मैचों में डेब्यू दिया। सन 2002 में भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर अनिल कुंबले को घायल होने के बाद अनिल कुंबले के घायल होने के बाद जब भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम में शामिल किया तो उनके करियर को एक नई दिशा मिली। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ साथ हरभजन ने 32 विकेट लेकर खुद को साबित किया और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले वे पहले भारतीय गेंदबाज हैं। साथ ही 1 दिसंबर 2006 को दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ हरभजन सिंह ने T20 में डेब्यू किया। सन 2008 में IPL में वे मुंबई की तरफ से खेले और अभी भी खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने बहुत से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। हरभजन सिंह का पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सन 2009 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स।